स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से रिलेटेड. हमारे पास स्टेटमेंट है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम. द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 इनटू 10 के रेस पर 6 जाउल्स पर केजी. अब जैसे कि स्टूडेंट हमने इसकी जो कॉन्सेप्ट लेक्चर था लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसमें हमने देखा था कि हम एच वी से उसे डिनोट करते थे कि एच वी जो है हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है जो कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड है कि हम एक यूनिट मास के जो है उसकी स्टेट को चेंज कर सकें. यानी कि हम लिक्विड से स्टूडेंट्स हम गैस स्टेट में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि हम स्टीम में लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए. यानी कि जिस तरह से हम कहते हैं कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो मेंटेन रहेगा, लेकिन जो हमारी स्टेट है यानी कि वाटर की लिक्विड स्टेट से वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. तो ये हमारे पास लैटेंट हीट वेपराइजेशन कहलाता है. इस केस में स्टूडेंट्स जो हमें डाटा गिवन है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या हमने फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यू वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास क्या हो गया रिक्वायर्ड हीट फॉर द वेपराइजेशन, ठीक है, फॉर अ 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. यानी कि मास भी आपको गिवन है 100 ग्राम्स, ठीक है. फिर उसके बाद टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपने मेंटेन रखना है यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जो कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है बेसिकली, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर वो भी हमें गिवन है, यानी कि वो हमारे पास क्या कहला उसे हम एच वी से डिनोट करते हैं और वी जो है वो वेपराइजेशन के लिए है. सबस्क्रिप्ट में हमने लिखा है 2.26 इंटू 10 के रेस पर 6 जाउल्स पर केजी, ठीक है स्टूडेंट्स. अब ये हमने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स. अब इसके जरिए हम सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे. सोल्यूशन इसका हमारे पास क्या होगा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जो फॉर्मूला है वो एच वी इज इक्वल टू क्यू वी होल डिवाइड बाई एम है. अब इस केस में हमने क्यू वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगी कि दोनों साइड्स पे जो है एम से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्यू वी डिवाइड बाई एम, और दोनों साइड से मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो आपने बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन परफॉर्म करना है. एम एम से कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्यू वी जो है वो मेरे पास बच गया और वो एम क्रॉस एच वी है. यानी कि आपने मास को मल्टीप्लाई कर देना है एच वी के साथ, तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर्ड होगी. तो इसमें आप वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. क्यू वी इज इक्वल टू आपके पास एम की वैल्यू 100 ग्राम्स है, 100 ग्राम्स को आपने कन्वर्ट करना है के जी में, बिकॉज के जी हमारे पास ऐसा यूनिट है मास का. तो हम जानते हैं कि 1 kg जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 1000 ग्राम्स के बराबर होता है. तो आपके पास आंसर आएगा 0.1 kg, ठीक है. आपने 100 को डिवाइड कर दिया 1000 से, आपका 0.1 kg आ गया. आपने 0.1 kg इधर इनपुट कर दिया और एच वी की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है 2.26 इंटू 10 के रेस पर 6 जाउल्स पर kg, सही. अब आपने जब इसे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, आपके पास आंसर आता है स्टूडेंट्स 226000 जाउल्स, ठीक है. यहाँ भी हमारे पास इसका जाउल मास का यूनिट जाउल्स जाउल्स सॉरी मास का यूनिट केजी सॉरी मास का यूनिट केजी है स्टूडेंट्स. हमारे पास यहाँ केजी है और केजी केजी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जाउल आ जाएगा जो कि हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट होगा, ठीक है. अच्छा अब ये स्टूडेंट्स हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. क्यू वी को आप जो है क्योंकि आपको यहाँ पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि पॉइंट आपका इधर है यानी कि एंड पे लाई कर रहे हैं, तो आपने पॉइंट को जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे कन्वर्ट करना है. तो 2.26 इंटू 10 की रेस पर जो है वो कितना आएगा, इस पॉइंट को आपने मूव किया नॉन जीरो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तो आपके पास यहाँ आएगा. तो आपने कितना स्टेप मूव किया, 1 2 3 4 5 5 स्टेप्स आप आगे मतलब कि आपने मूव किया तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 10 की रेस पर 5 जाउल्स. तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो ये स्टूडेंट्स हमारे अमाउंट ऑफ हीट यानी कि 2.26 इंटू 10 की रेस पर 5 जाउल्स ऑफ जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे वाटर को, ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर को, तो आप उसको जो है वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहेगा.